हम लोग जब रमजान अली में हुआ करते थे ना, 11th to 12th मैं रमजान अली में पढ़ा हूँ, तो वहाँ के नज़दीक में एक ना इडली वाला है। उसकी खासियत ये थी कि इतनी बड़ी बड़ी इडली, इतने बड़े बड़े मेंदू बड़े, तो बहुत टाइम हो गया यार खाया नहीं। आज इरादा एकदम पक्का, नींद में से उठते साथ ही मेंदू बड़े की खुशबू आ रही है, वो इडली खाऊंगा, तभी मैं पहले जाऊँगा सबके लेकर आऊँगा, फिर बैठ के खाऊँगा। यहाँ पर तीन दुकानें हैं इडली की, एक एक कोने में छपरा, दो बीच वाला छपरा डोसे वाला है। ये देखो गाइस, ये दिखा रामदेव स्टोर, हाँ उसको इग्नोर मारो, उसके पीछे देखो ये जो बिल्डिंग है ना, ये है मेरा रमजान अली कॉलेज। वैसे तो ये साइड स्कूल है, कॉलेज की बिल्डिंग और वो साइड है। गाइस ये है गेट, अंदर अभी शादी का हॉल लगा हुआ है, बाकी सब ठीक है। बाकी यार इतने टाइम के बाद यहाँ आके अलग ही मज़ा आ रहा है, पूरी चीज़ें एकदम दिमाग में चलना शुरू हो गई कि हाँ भाई यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा इन्जॉय करते थे, कितने बार तो बंक मारे पकड़े गए, हम भी लोग को घर से बुला। ये था हमारा इंटर कॉलेज, शादियाँ चालू है अंदर, लेकिन चालू है स्कूल कॉलेज चालू हो गया। अभी मैं अंकल से वही पूछ रहा था, मतलब क्या अंकल चालू है कि नहीं, तो चालू है ना दिखाऊ। देखो वो वाली बिल्डिंग थी, और ये रहा कॉलेज, ये थी कैंटीन, ये है वॉशरूम, यहाँ से शुरुआत है अपना कॉलेज वाली लाइफ। अलग ही मज़ा ऐसा रहता नहीं क्या, दसवीं के बाद बोलते ना पब्लिक के बाद कॉलेज जाने के बाद तो मज़ा ही अलग है, उसके बाद टेंशन नहीं, दो साल तो आराम वाली लाइफ है। हमने कुछ ज़्यादा उसको ले लिए थे सीरियसली वो टॉपिक को, और यहाँ बहुत तबाही मचा है। वालेकुम अस्सलाम, तो कैसे है आप सब, नाश्ता हो गया, इडली खाया? सच्ची में इसकी अम्मी ने तो इसको इडली में भी दाल डाल के खिलाई है, चटनी भी नहीं सांबर भी नहीं, खाएगा नहीं तो तुम्हारी इडली वेस्ट। कोई खाया है क्या दाल के साथ इडली? ये खाया है ना बराबर। सच्ची में बोला बाबू, रिक्शा लेने का है, कभी लेंगे अपन? पहले मारेगा तो रोऊंगा ना मैं। क्या बस चाहिए, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, लॉलीपॉप खाऊंगा, दे दो लॉलीपॉप, खाएंगे आप लोग लॉलीपॉप? इसमें क्या है? इसमें क्या है? हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर है। ये देखो हेलीकॉप्टर दिखा, ये लो तुम लोग ले लो हेलीकॉप्टर मेरी तरफ से, दे दिया लोग को, पूछो मिल गया? हाँ। सच्ची में? हाँ। नाच 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 मेरी जान नाच। देखो ये भी था रमजान अली कॉलेज वाला, नहीं लगा था मैंने रमजान अली कॉलेज, लेकिन तू पहले मदर टेरेसा में था ना, बाद में रमजान अली में गया ना, उल्टा फेल हुआ। क्या हो गया था ऐसा? पूरा सारा हम लोग मस्ती किए थे। क्यों ऐसा?
कॉलेज ही नहीं जाते थे। किसी ने बोला था क्या कि अरे दसवीं के बाद टेंशन नहीं लेने का, कॉलेज तो ऐसे ही निकल जाता है। कॉलेज है 11th एग्जाम कर उसको पढ़ा, बोले ठीक है कुछ पढ़ ही नहीं लिया। भाई के पूरा साल बाहर घूमो थोड़ी ना बोले थे, एक भी प्रेजेंटी नहीं थी भाई की। रिजल्ट आया था इसका, रिजल्ट रिजल्ट आया था। हाँ कहीं तो फेल तो नहीं हुआ है इसका, हम लोग चेक कर रहे थे कहीं तो गलती से पास नहीं हुआ है। बाद में पास हुआ मैं लाइन से। लेकिन ना तुम लोग को ना बताओ, मैं एक अजीब बात बोले ना एकदम लाखों में एक, कि ये अकेला नहीं था वो जो छे के छे में फेल हुआ था, वो इसके साथ में इसका बेस्ट फ्रेंड था। अच्छा रियाज ये तो बता दे, कभी बताया नहीं तुम लोग ने कि उसमें से मार्क्स किसको ज्यादा आए थे? मार्क्स मतलब पीछे से नंबर वन कौन था? पीछे से शाहरुख था, टोटल मार्क्स थे उसको 600 में से 73। फिर उसके बाद मैं था, 600 में से 117। फिर हमें जब खास दस थे ना तो उसका 118 आया था। हम लोग एग्जाम में भी मस्ती करते थे, खाली पेपर ना मतलब पेपर में कुछ नहीं, खाली पेपर बोल करके किसी की बाजू में डाल देने का और मिस को बता देना चीट। लेकिन इसके बाद में पास हुआ, इसके बाद में जो पास हुआ पहले होने के बाद में पास होने के बीच में जो हुआ, इसके बीच में क्या हुआ था वो मेरे को याद रही है, वो वक्त मुझे याद नहीं है। ये इधर से ऐसी याददाश्त निकल के फेंक दिया रियाज ने वाली। नहीं लेकिन वो सब वक्त याद है मुझे, ऐसा क्या पूरा साल मेरा ना पास होते गए, पास होते गए, पास होते गए, इतना मार पड़ी थी ना। बता मुझे याद है क्योंकि मुझे सबने मारा था इसको। मार पड़ी थी वो टाइम पे यूसुफ नहीं था, मैं तो ये भी मार था। इसको मार पड़ी थी, इसको नए कपड़े दिलाना बंद हो गया था, इसके पास दिलाना बंद नहीं हुआ था, मेरे नए कपड़े भी छीन लिए थे, पुराने कपड़े भाई के, यहाँ तक कि ईद भी जो थी ना वो साल की, पुराने कपड़ों में ईद निकाला था मैं, और पूरा साल 11th का पुराने कपड़ों में, और जो मेरे पास फोन था ना वो टाइम पे मैंने अपने हाथ से तोड़ा था वो फोन। नहीं तोड़वाए थे हाँ, लेकिन तोड़ा तो वही था ना। और साइकिल बेच दिए तो उठा के इसकी, बाल कटा दिए, मोबाइल तुड़वा दिए, साइकिल बेच दिए, नए कपड़े, बैंड, एक साल का स्ट्रगल निकाला वैसा वो एक साल, वैसे में पूरा साल निकाला, उसके बाद फिर से अपन थोड़ा पास होने लगे। फिर ये जो बात होती ना कह रहे टेंशन नहीं लेने का, जो 11th 12th तरह निकल जाता है तो वो है निकल गया रियाज के दिमाग से, और रियाज ने पढ़ के पास हो गया। तो बच्चों पढ़ो। और इसके बाद की कहानी तुम लोगों को थोड़ा और इंटरेस्ट बताओ, जो इसके साथ फेल हुआ था ना उसका क्या हुआ? मेरे साथ ही फेल नहीं हुआ था, हम लोग 17 लोग फेल हुए थे पूरी गैंग। वो टाइम पे ना रिकॉर्ड था, रमजान अली कॉलेज में फर्स्ट ईयर था वैसा, जो कि इतने लोग फेल हुए थे, 17 लोग 11th में फेल, और 16 लोग मतलब मेरे मुझे छोड़ के जितने भी लोग थे ना सब लोगों ने प्राइवेट दिया, सब लोगों ने प्राइवेट दिया, और मैं खाली 11th रिपीट बैठा। फिर मैं 11th पास हुआ, 12th भी पास हो गया, लेकिन वो 16 लोग में से ना कुछ लोग 12th क्लियर किए, बाकी के लोग केटी वेटी मतलब अटके ही रह गए। और हमीद के तो अभी 2 या 3 साल मतलब 2 साल पहले इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है ना। हाँ, मतलब समझो 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दिया बंदे ने 12th क्लियर करने के लिए, मतलब ऐसा माहौल हो गया था कि 11th में लोग फेल हो गए, तो दूसरे लोग ने सोचे कि चलो डायरेक्ट 12th देंगे और पास हो जाएंगे, टेंशन नहीं क्योंकि हम लोग ने ये साल ज्यादा इजी ले लिए, थोड़ा पढ़ लेंगे। लेकिन इसके साथ वो सीन नहीं था, इसको अब्बा ने बोल दिया था नहीं अब तू 11th वापस पढ़, जब पीछे वाले बच्चों के साथ वापस पड़ेगा तू वाट लगा के जलील की जलील वाला वक्त सही बोलूं तो कहने को वही अच्छा था। मैं पढ़ा 11th तो कम से कम मुझे 11th का एक्सपीरियंस भी मिला, वो लोगों को तो वो भी नहीं मिला। 11th 12th ग्रेजुएशन। अच्छा जब जो जो साल फेल हुआ था तू वो साल टीचर लोग को नाम मालूम था तेरा? नहीं किसी को पता ही नहीं था कि ये कॉलेज में पढ़ता है हमारे। नहीं जरूरी नहीं है, ये मिलावट हो रही है, मिलावट। अभी आप लोग नहीं बताएंगे, इसकी डिटेलिंग नहीं करूंगा मैं। ये देखो ये तेल डाल रही है, और ये क्या है बताओ? हाँ ये क्या बन रहा है बताओ? ये बना रही है जिनत, हिंट देगी कुछ? इससे आपको बुढ़ापा दूर हो जाता है। हाँ अब आगे का तुम लोग गैस करके कमेंट में बताना। यहाँ पर बन रहा है कुछ और पतला, और पतला। हाँ। अच्छा अब्बा भी शामिल है साथ। अब्बा की रेसिपी है, अब्बा का आइडिया था। अब्बा की रेसिपी है ये, देखो अभी उठा के
बड़ा ही महंगा इलाज है ये, ठीक है। अब ये काम करेगा कि नहीं कोई पता नहीं, सस्पेंस हम लोगों के लिए भी और आप लोगों, इसलिए तो मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग गेस कर लोगे क्या ये। लेकिन दिखने में कैसा है? यम्मी है ना, एकदम चॉकलेट लग रहा है, चॉकलेट। अब्बा देखो लावा केक बन रहा, चॉकलेट लावा केक। बस बोल दिया अब्बा ने, कब लगाएंगे अब्बा रात में? लो रख दो भाई। कितने का ये पैकेट? दोनों है 25 में दे दो, एक 25 रुपए दोना, बहुत ही बढ़िया। अर्तुल देखते ना अर्तुल, उसके अंदर यखनी बनती है और यखनी खाते हैं लोग नान के साथ, तो घर पे बन रही है यखनी और मैं नान लेने आया हूँ, नान लेके जा रहा हूँ घर पे, खाने वाले यखनी नान। टीका बाल इसको अब भी नीला है ना, क्या लगाया है? ये जीनत का नुकसान करते हुए क्या लगाया तूने? बोतल तेल लगाया उसने, तेल बचा लिया ना तेरे को ब्लॉग चालू करके, फिर मेरे को मालूम ना, नहीं तो अभी तेरे को बहुत पड़ती थी है ना। नबी वाली, नबी वाली येलो वाला गिटार अच्छी लगी तेरे को? पक्का जलूल अच्छी लगी चच्ची में? बता जरा। जरूर अच्छी लगी, जरूर मेरे सर पे ही चलाएगा, चल रही है डिंका डिंका। अरे डिंका टिका डिंका टिका डिंका टिका डिंका टिका डिंका टिका बादाम 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 बादाम। अरे मेरे सर को फोड़ देगा क्या रिक्शा से? तो फिर पटके ही जा रहा है तू। हाँ ना, हाँ ना, उतारू तेरे को नीचे। आपकी दिन अच्छी हो तो दिन पूरा अच्छा हो जाता है, शुरुआत अच्छी से हो। क्या था डायलॉग था अभी? भाई डायलॉग भूल गया। हाँ, सुबह अच्छी होती है तो दिन अच्छा ही जाता है।